గింతికి పుస్తక్ అధ్యాయ 36 గింతికి పుస్తక్ అధ్యాయ 36 గోత్ర గోత్ర కే భాగ్ మే గడబడ పడనే కా నిషేధ్ ఫిర్ యూసుఫియో కే కులో మే సే గిలాద్ జో మాకిర్ కా పుత్ర ఔర్ మనషే కా పుత్ర థా ఉస్కే వంశ కే కుల్ కే పిత్రో కే ఘరానో కే ముఖ్య ముఖ్య పురుష్ మూసా కే సమీప్ జాకర్ ఉన్ ప్రధానో కే సామ్నే జో ఇస్రాయేలియో కే పిత్రో కే ఘరానో కే ముఖ్య పురుష్ థే कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफात का भाग उसकी बेटियों को देना। तो यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उनके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं, सलोफात की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुषी के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे, और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे, किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी सलोफात की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, जो सलोफात की बेटियां थी। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के गोत्र के कुल के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए वे यही है।